नमस्कार सभी को। टुडे क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट 7 पॉलीनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल्स। यहाँ लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जो वर्कशीट नंबर 6 है उसमें हमारे पास पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स किसे कहते हैं। तो यहाँ क्वाड्रिफिकेशन की बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स की, तो पॉलीनोमियल्स हैव द पावर इज टू मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स जीरोज इज टू। यदि हम ये बात करें कि यहाँ पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, जिसमें एक्स की पावर 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स कहते हैं। और x की हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी जिनको वैल्यूज़ को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर हम अलग अलग कुछ ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट यूज कर लेते हैं कि x की दो वैल्यूज़ हैं, अब वो एक्स वन कह दें, एक्स टू कह दें या अल्फ़ा बीटा कह दें, ये हमें आगे यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको अभी से समझाना चाहते हैं कि हम इनको आगे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ x की दो वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि x की घात 2 है, तो दो वैल्यूज़ आएंगी इसलिए अल्फ़ा बीटा से ड्रॉप कर दिया है। यदि ये x क्यूब होता, यहाँ क्यूबिक पॉलीनोमियल्स होता, तो अल्फ़ा बीटा गामा मिलेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में कहीं यूज कर रखा है अल्फ़ा बीटा गामा भी। तो यहाँ हमने अल्फ़ा बीटा इसलिए लिया कि यहाँ पर x की जो क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स है उसके दो जीरोज मिलेंगे और यहाँ पर हमारे पास इनका एक रिलेशन होता है कि इन दोनों में अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यदि हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास हम लिख दें कि इसको अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिखेंगे तो माइनस बी अपोन ए आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपोन ए होगा। यदि हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये रिलेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ये टर्म्स हम यूज करते हैं। अब यहाँ इसको हम सम कह सकते हैं और वो प्रोडक्ट कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोज कह दो। और इस तरह कह सकते हैं, यदि यहां लिखे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख दो। अल्फा इंटू बीटा जिसको आप सी अपॉन ए लिख सकते हैं। यहां आपको आगे कुछ वर्क ऐसे दिया गया है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स कैसे फॉर्म करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स फॉर्म करना मतलब हमें इस पॉलीनोमियल्स में ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स डेवलप कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ कहा गया है कि इन्हें प्रीवियस सीट्स, जो प्रीवियस सीट थी आपकी उसमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के जीरोस गिवन थे। अब उससे आगे उन्होंने कहा क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स को सम और प्रोडक्ट जीरोस गिवन हैं तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स को हम बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी, एग्जांपल लिया गया, जैसा कि यहाँ पर दिया गया हम उसको एग्जांपल को लेते हैं कि यदि हमारे पास एग्जांपल ऑलरेडी आपके पास सॉल्व किया गया है। तो यदि हम लें शॉर्टकट में हम इसको लेते हैं कि यदि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है जो b अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है, हमें वहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है माइनस 3 अपॉन 4 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 अपॉन 4। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज a b c। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में a होता है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में a कंसिडर करेंगे तो a हमारे पास आएगा 4। b को हम कंपेयर करेंगे तो b होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस यहाँ तो सेम है तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स बनाना चाहेंगे तो a की वैल्यू को यहाँ पुट करें, मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 3b एंड प्लस 1 इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। अब यदि सेकंड एग्जांपल भी उन्होंने दिया उसको भी देखना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। यहाँ हमें थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को यूज करने के लिए बोला गया कि सेकंड एग्जांपल में हमें क्या कहा कि उसमें हमारे पास जो टर्म्स दी गई अल्फा प्लस बीटा दिया गया वो
4 है और अल्फा इंटू बीटा वो 7 है। तो अल्फा प्लस बीटा 4 को हम कन्वर्ट करेंगे कि ये क्या भी माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे इसको, तो यहाँ बदल दें कि माइनस माइनस 4 अपॉन 1 और यहाँ इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन 1। तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी माइनस 4 और सी जो है वो 7 आ गया। तो यहाँ जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ए 1 है तो हम ए को 1 लिखेंगे जिसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बी माइनस 4 है एक्स और माइनस प्लस 7। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल का रिजल्ट आ गया। एक और एग्जांपल यहाँ दिया गया कि जिसमें हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज लिखा है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स इज 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज माइनस 1 अपॉन 3, देन फाइंड द पॉलीनोमियल्स। तो फिर हम यहाँ लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 कह दो इसको, वो कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, 3 कह दो। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन था 2। अब इसको माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं माइनस माइनस 2 अपॉन, अब ये देखेंगे अपॉन में क्या लाना है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू गिवन है उसको भी हमें देखना है कि अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन था यहाँ माइनस 1 अपॉन 3, प्रोडक्ट माइनस 1 अपॉन 3 है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है वो 3 है, तो यहाँ भी हम 3 लाना चाहेंगे क्योंकि ए हमें वही मिलेगा जो दोनों में एलसीएम सेम होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। दोनों का डिनोमिनेटर यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 है तो हम यहाँ इसको ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें यहाँ पर जो बी होगा वो माइनस माइनस 6 अपॉन 3 हम लिखेंगे। मतलब हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है, ए हमारे पास 3 होगा तो बी की वैल्यू माइनस 6 होगी और सी की जो वैल्यू होगी वो माइनस 1 होगी। इस टाइप से हमारे पास जो क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स होगा वो ए इज 3, मतलब ए को 3 रखेंगे तो 3x², बी को माइनस 6x और प्लस माइनस आपका सी जो है वो माइनस 1 है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स आ गए। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर जो अनसोल्ड आपको दिए गए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स आर माइनस 4 एंड माइनस 6, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट बी। तो देखो यदि हम यहाँ इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो लेट करेंगे लेट अल्फा इक्वल टू माइनस 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 6। तो ये हमें दोनों जीरोज दिए गए, हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया कि एक्स क्या है, एक्स के दो जीरोज होंगे, देन अल्फा और बीटा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अल्फा को हमने कंसिडर किया माइनस 4, बीटा को कंसिडर किया माइनस 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो माइनस 4 माइनस 6 मतलब माइनस 10 होगा। सेकेंड यदि अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, तो माइनस 4 इंटू माइनस 6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के 24 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट बी, तो बी की कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो हम इस वैल्यू को क्या माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम डिनोमीटर में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, इन दोनों का डिनोमीटर हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा कुछ भी, तो हम इन दोनों के डिनोमीटर में 1 लिख सकते हैं ऐसे। अब यदि 1 लिखेंगे तो हमारे पास जो डिनोमीटर में होता है वो ए होता है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो बी होगी, बट चेक करना है कि ये माइनस है और यहाँ ही माइनस दे दिया तो हमारे पास जो बी की वैल्यू होगी, हम यहाँ बी की वैल्यू लिख देते हैं, देयरफॉर बी कोएफिशिएंट ऑफ बी इज 10। क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ से कंपेयर करते हैं माइनस बी अपॉन ए से तो ये माइनस 10 अपॉन 1 हो गया, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ हम ए की वैल्यू भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि, लेकिन आपसे पूछा गया सिर्फ बी की वैल्यू तो आप 10 लिखेंगे। मैंने ए की वैल्यू यदि आपसे कहीं दूसरे एग्जाम में पूछ लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आप ए को 1 लिखेंगे और सी जो लिखेंगे आप, यहाँ पर जो सी की वैल्यू आएगी वो सी आपका 24 होगा। इस टाइप से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपका जो रिजल्ट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का होगा। अब हम पहुँचते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि आपके पास फाइव क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स गिवन है तो कहा है सम एंड सम ऑफ द जीरोज फाइंड करना है। आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें लिखा हुआ है 6x²
प्लस 11x प्लस 5। तो यहाँ में क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो ए क्या है 6, बी क्या है 11 और सी क्या है 5। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज पूछा गया, इसको हम सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं, हमने अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। तो व्हाट इज बी, बी आपके पास 11 है और ए क्या है 6। तो आपका ये आंसर आ गया सम ऑफ जीरोज। यदि वो पूछते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो सी अपॉन ए होता है, तो 5/6 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स द सम ऑफ हुज जीरोज इज -10 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज इज -39। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका जो सम ऑफ जीरोज है वो -10 है और अल्फा इंटू बीटा -39 है, मतलब सम ऑफ जीरोज -10 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -39 है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स जो होगा वो आपके पास क्या होगा, यदि इसमें हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या होगा, देखो इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो क्या करेंगे, उनको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां हमारे पास ए क्या होगा, हमारे पास ए लिखेंगे, ए इज 1, बी इज 10 और सी इक्वल टू -39। कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से कंपेयर करना है और यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर देता है। तो यहाँ होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होता है उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज ए 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, बी क्या हो गया बी इज 10 एक्स और सी क्या हो गया -39। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया जिसको हमें रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसने क्या है, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज -15/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3, फाइंड द पॉलीनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 15/4। अब 15/4 को आप इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले काम यह है कि इसको हमें उस फॉर्म में बदलना, मतलब माइनस नहीं है, वहाँ माइनस है या माइनस नहीं है, तो माइनस में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसको रीराइट कर सकते हैं --15/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा गिवन है, वो आपको गिवन है 3। अब 3 यहाँ गिवन है लेकिन आपके पास जो डिनोमिनेटर यहाँ 4 आया है वो यहाँ नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये आएगा 12/4। मींस हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गई 4, बी क्या हो गया -15 और सी क्या हो गया 12। तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स बी एक्स इज 4 एक्स स्क्वायर, सेम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर -15x एंड +12। इस टाइप से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज या वर्कशीट कंप्लीट।